सो वेलकम बैक गाइस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बिना फोन नंबर और बिना ईमेल के अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्टली आपको एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन में। अगर आपके पास कोई भी फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप फेक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करके अपना वो वाला अकाउंट सर्च करना है जो कि आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्लिप्स यहाँ पर सर्च कर लिया जो कि मेरा अकाउंट है। ये फेक अकाउंट है लेकिन मुझे इसे लॉगिन करना है। अभी मेरे पास इसका नंबर ना ही इसका ईमेल है, तो इसको आप बिना ईमेल और नंबर के लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तीन डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने अकाउंट पर आएंगे, तीन डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको इसका जो लिंक है वो आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो भी अकाउंट इस पर मतलब अभी लॉगिन है इसको आपको लॉगआउट करना होगा, जिससे आपने कॉपी लिंक की उसको आपको लॉगआउट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर लॉग आउट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पर किसी भी जगह नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे बैक और यहाँ पर आपको करना है क्रोम ब्राउज़र को ओपन। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है findmyid.com। तो यहाँ पर जैसे आप findmyid.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली लिंक मिल जाएगी, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मांगेगा आपकी फेसबुक आईडी, मतलब फेसबुक का जो यहाँ पर लिंक है वो आपको यहाँ पर दे देना है। जो अभी हमने यहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। और जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड फेसबुक आईडी यहाँ पर ब्लू में मिल जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पर दबा देना है, मतलब क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो रहा है। तो 5 या 10 सेकंड या 15 सेकंड हार्डली आपको ये लेगा आपका जो अकाउंट है ढूंढने में। तो अभी यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है इसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इसको आपको कॉपी कर लेना है। सारे नंबर्स को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आना है अपने फेसबुक एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है लॉग इन इंटू अनदर अकाउंट पर और यहाँ पर ये जो आपने अभी कॉपी किया उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। सो गाइस, ये वाले जो नंबर से मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर हम चलिए पासवर्ड दे देते हैं। सो गाइस, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर हमने लॉग इन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिंग इन दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। तो गाइस, ये मेथड इसलिए मैंने आपको दिखाया, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट तो आपको पता होता है, आपका अकाउंट का जो पासवर्ड है वो भी आपको पता होता है, लेकिन आपका फेसबुक अकाउंट नहीं निकलता है और आपका ईमेल भी नहीं होता है और आपका जो फ़ोन नंबर है आपके पास नहीं होता है। तो इस मेथड की वजह से आप अपना जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं विदाउट कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसका जो अकाउंट इस अकाउंट का जो ईमेल या जो फ़ोन नंबर है वो आप आराम से आप निकाल सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मास्टर तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।